हेलो भाई, चलिए अब निकलते हैं रूम से। पूरा दिन सो सो के खत्म हो गया। तो ये लिफ्ट है हमारा और ये सीढ़ी है, तो हम सीढ़ी से जाएंगे क्योंकि पूरा आलसी हो गई है अभी। तो चाय पियेंगे। चाय पियेंगे फिर जाएंगे सी बीच। एक दिरहम की है और हमारी चाय बन रही है। पार्सल कर देना भाई, पार्सल कर देना। ये हमारी ईरानी चाय रेडी हो रही है। नहीं है तो चले, कब गरम कवर रहेगा तो दे दो ना कुछ। कवर है ना, ज्यादा ही गर्म, थोड़ा क्यों ज्यादा गर्म है। थैंक यू ब्रदर। और हमने चाय ले ली है और जाएंगे सी बीच की तरफ। बहुत बोर लगा आज, रूम में कितना भी सो गए। यहाँ पे रोड क्रॉस कर देख के करना चाहिए, कब गाड़ी आएगी आपको उड़ा के भी लेके चले जाएगी पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे इतना स्पीड से चलाते हैं लोग। बाहर आके थोड़ा सुकून मिला, थोड़ा फ्री लग रहा है। फाइनली भाई जान बचाते हुए रोड क्रॉस कर लिया हमने। फिर सामने का शाम हो गया भी ऑलरेडी, थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। सामने के व्यूज दिखाता हूँ आपको कैसा है। ये शायद दिख रहा होगा आपको, इतना दूर है उतना भी नहीं, थोड़ा बहुत दूर है। यहाँ के सारे सफेद बिल्डिंग्स बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हर रोज लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। नजारा भी वैसा है। ये अपनी चाय और ये है बीच। शाम में बहुत सुकून लगता है यहाँ पे। चीयर्स। गजब की बनी है। भाई समंदर को गौर से देखो, यहाँ के यहाँ पे लहरें उतनी बड़ी उठती नहीं है, तो यहाँ पे आराम से आप स्विमिंग कर सकते हो। तो इंडिया के तो वहाँ पे, हमारे वहाँ पे तो लहरें कम से कम 7-7 फीट 8-8 फीट ऊंची उठती हैं, तो वहाँ का भी मज़ा अलग ही रहता है। पूरा किनारे में सारा पत्थर ऐसे पूरा बिछाया गया है पूरी जगह पे। हाँ काफी खूबसूरत लग रहा है भाई। नज़ारे देखो, नज़ारे
इवनिंग व्यू है ये, कितना खूबसूरत लग रहा है। सही में यार, देखने के लायक। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत लोग आते हैं शाम में, यहाँ पे भीड़ हो जाती है, घूमने के लिए आ जाते हैं लोग।